खबर रीवा से है, जहां जिले में गौशालाओं के नाम पर लंबे समय से अवैध रूप से फंड वसूलने का काम किया जा रहा था, जिसका खुलासा बुधवार को केंद्रीय एनिमल वेलफेयर के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी की जांच में हुआ है। बताया जा रहा है कि दो दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे केंद्रीय एनिमल वेलफेयर के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी ने जिले में संचालित गौशालाओं का निरीक्षण किया। तब पता चला कि यहां त्योथर तहसील क्षेत्र की 8 गौशालाएं ऐसी हैं जहां डिस्पेंसरी के नाम पर गलत तरीके से केवल सरकारी फंड निकाला जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने तत्काल सभी 8 गौशालाओं को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। इसके अलावा समस्त गौशालाओं पर रिकवरी न होने पर FIR की तैयारी भी की जाएगी। दरअसल रीवा जिले में फर्जी तरीके से संचालित गौशालाओं की शिकायत लंबे समय से केंद्रीय एनिमल समिति को मिल रही थी, जिसकी जांच के लिए दिल्ली से केंद्रीय एनिमल वेलफेयर समिति के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी को रीवा भेजा गया, जहां पर उन्होंने जिले भर में भ्रमण किया। इस दौरान त्योथर तहसील क्षेत्र से संचालित तकरीबन 8 गौशालाएं ब्लैक लिस्टेड निकली। एनिमल वेलफेयर समिति के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी ने जब शिकायत के आधार पर गौशालाओं का भ्रमण किया तो देखा कि कई जगह डिस्पेंसरी के नाम पर गलत तरीके से सरकार से फंड वसूले जा रहे हैं, जिसकी उन्होंने जांच की और तत्काल ऐसी गौशालाओं को चिन्हित कर उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया तथा गौशालाओं को संचालित करने वाली प्राइवेट NGO कंपनी को रिकवरी का नोटिस भेज दिया। जानकारी के मुताबिक रिकवरी वापस नहीं मिलने के आधार पर उन कंपनियों पर एक FIR दर्ज कराई जाएगी। केंद्रीय एनिमल वेलफेयर समिति के सदस्य रामकृष्ण रघुवंशी ने बताया कि जब वह जांच के लिए रीवा पहुंचे तो प्रोटोकॉल के तहत उनकी जानकारी प्रशासन को दी गई, परंतु जांच में उन्हें प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला तथा प्रशासन का कोई भी आदमी 2 दिनों तक उनसे मिलने भी नहीं पहुंचा। रामकृष्ण रघुवंशी का मानना है कि प्रशासन को पहले ही अपनी गलती का आभास हो गया, जिसकी वजह से वह जांच में सहयोग के लिए नहीं पहुंचे। मैं राम रघुवंशी, भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मैं सदस्य हूँ और रीवा में काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि यहाँ पे हमारे बोर्ड के माध्यम से कई गौशालाओं को यहाँ फंड लेने के लिए लगातार आवेदन आ रहे थे और प्रदेश में सबसे ज़्यादा आवेदन यहीं से आ रहे थे और एक ही चीज़ के लिए आवेदन आ रहे थे, तो काफ़ी संदेह भी हुआ कि एक बार क्या देखें क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है। तो जो आपके ब्लॉक है त्योंतर ब्लॉक है, उसमें मैंने कल निरीक्षण किया तो 8 गौशालाओं को जब देखा, फिजिकल जाकर देखा, टेस्ट उनको जाँचा, तो मात्र 5 गौशालाओं के सिर्फ बोर्ड मिले। 5 जो इलाज करते हैं गायों का, मात्र बोर्ड मिले, वहाँ के 3 का तो बोर्ड ही नहीं मिला है। लोगों को जब मालूम किया, कॉन्टैक्ट नंबर उसमें दे जो अप्लाई करते हैं हमारे पास, जैसे उस पर संपर्क किया, सब गाय मिले, कोई व्यक्ति वहाँ मिला नहीं। तो हमने उनको ये आज रिपोर्ट में, मेरे रिपोर्ट में उनके माध्यम से उन सबको 8 गौशालाओं को जो डिस्पेंसरी के रूप में चला रहे हैं, समिति के रूप में, NGO के रूप में, उन सबको ब्लैकलिस्ट करने वाले हैं हम लोग। इस उद्देश्य से मेरा यहाँ आना हुआ था। फिर मैंने शासकीय गौशालाओं को भी देखा, उस पर भी बड़ी दिक्कत आई। बहुत ही जो मैंने और भी प्रदेश में और भी जिलों में जो देखा है, सबसे बेकार स्थिति कहीं मिली तो रीवा में मिली मुझे। यहाँ पर शासकीय गौशालाओं की हम बात करें तो कोई व्यवस्था नहीं थी, गायों के लिए चारा नहीं मिला वहाँ पर, गायों के लिए जो काम करने वाले लोग रहते हैं वो वहाँ पे आप मिले नहीं वहाँ पर। ग्राम पंचायत की कोई टीम नहीं थी, प्रशासन का कोई ऐसा वहाँ नहीं रखी जिम्मेदार व्यक्ति है जिसको मैं बता पाऊँ। वहाँ पर एक बड़ी अव्यवस्था इस जिले में मुझे देखी गई है, रीवा के अंदर भी है। और रीवा में आने के कारण भी है कि यहाँ गो भक्तों की एक टीम को भी मैं सेलेक्टिंग करने वाला हूँ। कुछ समय बाद हम डिस्ट्रिक्ट एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के नाम से कुछ पोस्ट हमारे पास है, या रीवा को हम देने वाले हैं, 2 पोस्ट देंगे तो यहाँ से फीडबैक हमको मिलता रहेगा।